हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पोको M4 Pro 5G और Redmi Note 11T 5G का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं एंड साथ में इन दोनों मोबाइल का एंटूटू स्कोर एंड डाउनलोडिंग टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये दोनों मोबाइल में से पोको 4GB 64GB वेरिएंट वाला मोबाइल है और Redmi 6GB 64GB वेरिएंट वाला मोबाइल है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों फर्स्ट हम इस दोनों मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले ऑन होता है एंड कौन सा मोबाइल लास्ट में ऑन होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले Redmi Note 11T स्विच ऑन हो चुका है एंड इसके तुरंत बाद Poco M4 Pro 5G भी स्विच ऑन हो चुका है। अब सेकेंड टेस्ट में हम इन दोनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर ज़्यादा है और कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर कम है। दोस्तों दोनों मोबाइल का एंटूटू टेस्ट हो चुका है जिसमें पोको M4 Pro 5G का एंटूटू स्कोर 289,000 है और Redmi Note 11T 5G का एंटूटू स्कोर 292,000 है। मतलब कि दोस्तों दोनों मोबाइल के एंटूटू स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन दोनों मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक फास्ट है। दोस्तों दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फास्ट एंड अच्छे हैं एंड दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन दोनों मोबाइल में डाउनलोडिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इन दोनों मोबाइल को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब चलो डाउनलोडिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट राउंड में सबसे पहले Redmi Note 11T 5G में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Poco M4 Pro 5G में हुई है। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों सेकेंड राउंड में भी सबसे पहले Redmi Note 11T 5G में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Poco M4 Pro 5G में ऐप डाउनलोड हुई है। अब देखते हैं कि लास्ट राउंड में क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों लास्ट राउंड में इस बार Poco M4 Pro 5G में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi Note 11T 5G में ऐप डाउनलोड हुई है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डाउनलोडिंग स्पीड Redmi Note 11T की अच्छी है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों मोबाइल में ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स ओपन करने में फास्ट है।
तो दोस्तों टोटल 15 ऐप्स हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ ऐप दोनों मोबाइल में सेम टाइम पर ही ऐप ओपन हुई है और कुछ ही ऐप में डिफरेंट देखने को मिला है, वो भी थोड़ा सा। मतलब कि दोस्तों ऐप्स ओपन एंड लोड करने में दोनों मोबाइल इक्वल है। और अब लास्ट टेस्ट में हम इन दोनों मोबाइल का रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल बैकग्राउंड में ऐप्स रन करने में अच्छा है। तो दोस्तों दोनों मोबाइल में 5 में से एक एक ऐप बैकग्राउंड में चल रहे थे, तो ऐप को बैकग्राउंड में रन करने में भी दोनों मोबाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ये था पोको M4 Pro 5G और Redmi Note 11 T 5G का कंपैरिजन वीडियो। वैसे दोस्तों दोनों मोबाइल अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको इनमें से पोको M4 Pro 5G ही खरीदना चाहिए, क्योंकि पोको M4 Pro 5G Redmi Note 11 T का ही रीब्रांड वर्जन है और ये Redmi Note 11 T के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी है। और मेरे ख्याल से आपको पोको M4 Pro 5G खरीदना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मोबाइल पसंद है एंड आपको कौन सा मोबाइल वैल्यू फॉर मनी लगता है। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।